प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खाना, क्या प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खाना सेफ होता है कि सेफ नहीं होता है? क्या प्रेगनेंसी में पपीता खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? मैं डॉक्टर हिना खान, गायनोकोलॉजिस्ट, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बारी ओपीडी में आने वाली महिलाएं, स्पेशली गर्भवती महिलाएं, ये सवाल करती हैं कि मैम, क्या हम पपीता खा सकते हैं? क्या पपीता खाना सेफ है कि सेफ नहीं है? बहुत सारे अटेंडेंट ये सवाल करते हैं, क्या हम अपने पेशेंट को पपीता खिला दें? जो पेशेंट एडमिट रहते हैं उनके लिए बार बार ये सवाल किया जाता है, क्या मैम हम अपने पेशेंट को पपीता खिला सकते हैं? ये सेफ है ना या सेफ नहीं है? देखिए, ये सवाल आपने भी बहुत बार सुना होगा, या आप अगर गर्भवती हैं, यदि आप भी गर्भवती हैं, आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं पपीता खा सकती हूँ? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पपीते दो तरह के होते हैं, नंबर एक कच्चा पपीता, नंबर दो पका हुआ पपीता। कच्चा पपीता इज़ लाइक बाहर से हरे कलर का है, अंदर से वो सफ़ेद रंग का है। कच्चा पपीता है, बाहर से येलो कलर का है और अंदर से ऑरेंज कलर का है, दैट इज़ पका हुआ पपीता। अब प्रेगनेंसी के दौरान आपको पपीता खाना चाहिए, पका हुआ पपीता खाना चाहिए, ये आपके लिए और आपके शिशु के लिए भी अच्छा होता है। वहीं प्रेगनेंसी के दौरान कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? अब क्यों ये मिथ पैदा हुआ है कि भाई पपीता खाने से अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें जो है क्यों स्टार्ट हुई हैं? एंशियंट टाइम में, पुराने समय में, पपीते के जो बीज होते हैं उनसे अबॉर्शन की दवाइयाँ बनाई जाती थी। तो अब बहुत सारी क्वांटिटी में जब आप पपीता खाएंगे ना, तभी जा कर के अबॉर्शन होगा। आपने एक पपीता खा लिया उससे अबॉर्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको बहुत सारी क्वांटिटी में कच्चा पपीता खाना होगा, तब जा कर के अबॉर्शन हो जाता है, आपको लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, गर्भपात हो जाता है। ऑलराइट, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको कच्चा पपीता अवॉइड करना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको कच्चा पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, वहीं आप पका हुआ पपीता आप खा सकते हैं। ऑलराइट, तो यदि आपके ये सवाल है कि आपको कच्चा पपीता खाना चाहिए या पका हुआ पपीता खाना चाहिए, तो आपको पका हुआ पपीता खाना चाहिए, कच्चा पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।